नमस्कार, मैं हूं शेफाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आज के दखल न्यूज की खबरों में सिर्फ कोरोना से जंग। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के क्या हाल हैं, ये हम आपको बताएंगे दखल न्यूज पर। मैं इस वक्त खड़ी हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उस जगह पर जहां से पूरा प्रदेश चलता है। हमारे देश में 6 मौतें कोरोना की वजह से हो चुकी हैं, सैकड़ों में इसका वायरस फैल चुका है। ये आगे और ना बढ़े, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि सब जनता कर्फ्यू के तहत अपने घर पर रहें। ये एक ऐसी जंग है जिसमें आप सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है, और ये एक ऐसी जंग है जिस पर कोई हथियार लेकर आपको बॉर्डर पर नहीं जाना, जहाँ खून खराबा नहीं करना। ये जंग ऐसी है जिसमें शामिल हो सकते हैं आप अपने घर पर रहकर। आपको इस्तेमाल करना है सैनिटाइजर, मुंह पर लगाना है मास्क, बार बार हाथ धोने हैं साबुन से, और इस जंग में आप सब शामिल हैं। मध्य प्रदेश इस वक्त चर्चाओं में है, एक तो कोरोना की वजह से, दूसरा राजनीति की वजह से। राजनीति के हाल इसलिए खराब है क्योंकि प्रदेश के मुखिया कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है मुख्यमंत्री पद से। राजनीति के हाल क्या है ये बताएंगे विस्तार से हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय। एक तरफ कोरोना की दहशत है तो दूसरी तरफ सियासी पारा अपने चरम पर है। मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय खतबदा रही है। बहुमत परीक्षण की बात आई थी मध्य प्रदेश में, जैसा सब जानते हैं, और राजभवन उसका प्रमुख केंद्र बना हुआ था। अल्पमत में चल रही कमलनाथ सरकार को झटका लगा। कमलनाथ को जब लगा कि वो अब बहुमत साबित नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये वो राजभवन का इलाका है जहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, जहाँ मीडिया कर्मियों की, नेताओं की, दोनों पार्टी के लोगों की भीड़ भाड़ थी, कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, जहाँ जिंदा मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे। आज इस इलाके में कोरोना के चलते सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की कि जनता कर्फ्यू हो। आप देखें उसका नज़ारा कि इक्के दुक्के वो लोग, बहुत काम से जो लोग निकल रहे हैं वही लोग सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा पूरे इलाके में सन्नाटा है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति अभी भी खतबदाई हुई है। भीतर ही भीतर कमरा बैठकें चल रही हैं, और इन बैठकों में ये तय करने की कोशिश की जा रही है कि अब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसको राज्यपाल के पास कौन आएगा चिट्ठी लेके बहुमत की, और कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। कई सारे नाम हैं। शिवराज सिंह चौहान दावा ठोके हुए हैं क्योंकि वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, उनका दावा है। बीजेपी के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दावा है। ऐसे में पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा है। एक दावा जिन्होंने किया नहीं है लेकिन उनका भी दावा माना जाता है, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं। थावरचंद गहलोत केंद्रीय मंत्री हैं, बीडी शर्मा है, कई सारे दावेदार बीजेपी में हैं। और इस राजभवन से किसके पास कौन बहुमत की चिट्ठी लेके आता है, किसको शपथ दिलाई जाती है, ये आने वाले 48 घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल तो राजनीति पर भी कोरोना का खौफ साफ साफ नज़र आ रहा है। अनुराग उपाध्याय, दखल न्यूज़, भोपाल। कोरोना वायरस ने महामारी का रूप ले लिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था जनता कर्फ्यू का। हम सड़कों पर उतरे, हमने देखा जनता कर्फ्यू 100% लगा है। ऐसे में हमारे रिपोर्टर सत्यम शर्मा जब सड़कों पर उतरे तो जाना क्या है जनता कर्फ्यू का हाल। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू को लागू किया गया है। जनता कर्फ्यू का समर्थन भोपाल में देखने को मिल रहा है। जिस चौराहे पर हम खड़े हैं उस चौराहे पे गाड़ियां नहीं थमती थी, उस चौराहे पे भारी भीड़ हुआ करती थी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे की चौराहा खाली है, सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं, दुकानें बंद हैं, सभी जगह देख सकते हैं दूर दूर तक इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, लोगों की दुकानें बंद हैं, यहाँ तक कि मेडिकल की दुकानें भी बंद दिखाई दे रही हैं। जो सभी दुकानें उन्होंने अपनी बंद करके रखी है। आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी की दुकानें बंद है। मैं आपको एक दफ़ा बता दूं कि ये चौराहा व्यस्ततम इलाकों में से माना जाता है, जहां आप देख सकते हैं कि ये जो रोड गई है ये राजभवन के लिए रोड गई है, जहां यहां राज्यपाल लालजी टंडन का निवास रहता है। और ये जो चौराहा जा रहा है, ये CM हाउस के लिए जा रहा है। इसमें भोपाल में देखने को मिल रहा है कि समर्थन मिल रहा है लोगों को। ये रोड है, रोडें जो सड़कें बता रही हैं, जो सुनसान सड़कें पड़ी हुई हैं, सन्नाटा पसरा हुआ, सड़कों में इक्का दुक्का गाड़ी ही यहाँ देखने को मिल रही हैं। ये रोड CM हाउस को जा रहा है, CM हाउस वाला रोड है जो नीचे जाकर के CM हाउस में उतरेगा और पॉलिटेक्निक चौराहे को जोड़ता है। ये भी इसमें भी सन्नाटा पसरा हुआ है। आप इधर भी देख सकते हैं कि ये जो न्यू मार्केट से जाता हुआ जवाहर चौक को रोड है, इसमें भी सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों की आवाजाही बंद है। लोगों का नरेंद्र मोदी के, जो नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की अपील की थी, उसका पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो रोड है, यहाँ पे देखिए कुछ बैरियर्स भी लगाए गए हैं प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा, ताकि लोगों की आवाजाही इस तरह से भीड़ भाड़ इलाकों में जो थी अब ना रहे, कम रहे। आप देख सकते हैं ये जो रोड है ये माता मंदिर जाने का रोड है सीधा, यहाँ भी एकदम से सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरी रोड खाली है,
इक्का दुक्का रोड में दिख रही पूरी दुकानें, ये न्यू मार्केट माना जाता है। न्यू मार्केट कभी भी बंद नहीं होता था, जहाँ भीड़ रहती थी हमेशा, अब न्यू मार्केट इलाका बिल्कुल खाली है, सभी दुकानें बंद हैं। सभी दुकानों ने मोदी के जनता कर्फ्यू को समर्थन किया। कोरोना वायरस को हराने की ये मुहिम जो प्रधानमंत्री मोदी ने चलाई है, जो वैश्विक महामारी घोषित हो चुकी है, उसके लिए अब जरूरी है कि सही और सही कदम उठाया जाए। जो प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू लागू किया है, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लोगों को अपने घरों में रहने के लिए हिदायत दी गई है। प्रधानमंत्री के जनता कर्फ्यू की अपील का समर्थन भोपाल में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं वोट क्लब में, जहां आप देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है, नाव थमी हुई है। जहां हजारों की भीड़ पड़े हुआ करती थी, आज वहां पे एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। सब ने अपनी जगह में अपने अपने घरों में सब खुद को लॉक कर लिया। लॉकडाउन जैसी स्थिति है। पर्यटक स्थलों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पर्यटक स्थलों में भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है कि लोग अपने आप को घर में बंद करके रखिए, तभी सुरक्षित रह सकते हैं कोरोना वायरस से। आप देख सकते हैं ये सड़कें जो हैं, ये जिन सड़कों पे लोगों की आवाजाही हमेशा भीड़ बनी रहती थी, वो सड़कें अभी उस सड़कों पे सन्नाटा पसरा हुआ है, एक भी व्यक्ति देखने को नहीं मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दुकानदार भी जो दुकानें अपना ठेला वगैरह लगाते थे, उनकी भी दुकानें बंद कर दी गई हैं। आवाजाही पे भी रोक लगाई गई है। ये जो नावें हैं, ये नाव जो खड़ी हैं, वो खाली पड़ी हैं, सब में सन्नाटा पसरा हुआ है। अब देखना यह होगा कि कोरोना वायरस की जंग कहाँ तक सक्सेस होती है। लोग अपने घरों में लॉक्ड हैं, पर्यटक स्थल भी बंद हैं, तो कोरोना पर लगाम जरूर लगेगी। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। जनता कर्फ्यू में अस्पताल, सुरक्षाकर्मी और मीडिया कर्मी को छूट दी गई, जो ही सड़क पे देखे जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मीडिया कर्मी आई है, हमसे बात करते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपिन यादव। आपने क्या देखा सर? पूरा सुबह से सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरे मार्केट बंद है। जहाँ पे पहले चहल पहल हुआ करती थी सुबह 6 बजे से, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, सब चीज़ें बंद है, टोटल चीज़ें बंद है। यहाँ पे पूरा मार्केट बंद है, सिर्फ रोड पे पुलिस, सफाई कर्मी और मीडिया कर्मी ही नज़र आ रहे हैं। तो इनका साफ कहना है कि रोड पर सिर्फ सुरक्षा कर्मी, मीडिया कर्मी और अस्पताल में डॉक्टर नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और मीडिया कर्मी मौजूद है। आपका क्या नाम है? सुभाष ठाकुर। तो आपने सुबह से देखा क्या? सन्नाटा पसरा हुआ था पूरा। देखिए, ये जो कोरोना से संघर्ष के दौरान बहुत ही अच्छी पहल है, और सब दूर सारी सड़कों पे, मार्केट में, रेलवे स्टेशन भोपाल, नांद्रा बस स्टैंड वगैरह सब दूर सन्नाटा है। सभी ये बहुत अच्छी पहल है कि लोग घर में रहें, लॉकडाउन हुआ है भोपाल आज, बहुत अच्छी बात है। भारत पूरा लॉकडाउन हुआ है, तो जनता अपनी स्वेच्छा से खुद को लॉकडाउन करके बैठी है अपनी सुरक्षा के लिए। का साफ कहना है कि जहां देखे रेलवे स्टेशन में देखा गया, वहां भी पूरी भीड़ सन्नाटा पसरा हुआ है, प्लेटफार्म पूरा खाली है, ट्रेनें बंद हैं। हमारे साथ कुछ और मीडिया कर्मी हैं, आइए हम बात करते हैं। सर आपका नाम क्या? मैं राजीव सराटे, टाइम्स ऑफ इंडिया फोटो जर्नलिस्ट हूँ। मैं शहर में सुबह से घूम रहा हूँ, पुराना शहर, नया शहर, मतलब पूरा ही शहर बंद है, और सभी लोगों ने अपनी स्वेच्छा से ही अपने घरों में रहने का सोचा है। ये अच्छी पहल है, और इस बीमारी से अपन बहुत जल्दी लड़ लेंगे। थैंक यू। कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है WHO द्वारा, और इसकी सिर्फ अभी तक उपाय यही है कि हाथ को अपने सुरक्षित रखें, अपने मुंह को ढक कर रखें, बार बार पानी पिए। आइए, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर आप सुबह से घूम रहे हैं सड़कों पे, आपने देखा नज़ारा देखा, जहां ये न्यू मार्केट पॉश इलाका माना जाता है, यहां पे अब सुनसान सड़कें, सुनसान हैं, दुकानें बंद हैं। मैंने सुबह से स्टेशन और पुराने शहर से लेकर नए शहर तक का पूरा भ्रमण किया, लेकिन उससे मैंने ये पाया कि अधिकांश लोगों ने तो अपनी स्वेच्छा से अपने घरों में रहने का फैसला किया, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का फैसला था, और उससे कोरोना से बचने के लिए तो दूर रहें कम से कम, जो बात सोशल डिस्टेंसिंग की कही। लेकिन उसमें दूसरी जगह मैंने ये भी पाया कि कुछ लोग सिर्फ घूमने के लिए, निकलने के लिए, देखने के लिए निकल रहे हैं कि साहब कितने लोग हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब उनको नहीं करना चाहिए। और दूसरी एक बात ये है कि मैंने कई जो देखा, जैसे पुराने भोपाल शहर में जो पटिया जो बैठने की जो प्रथा थी, वो अभी नहीं छूट रही है लोगों की, पूरा अधिकांश सब बंद है, सब कुछ बंद है, इसके बाद भी लोग पटिए हुए बैठे हुए हैं, जिसको कि सोशल डिस्टेंसिंग माना गया है कि अपन को उसके खिलाफ है जो कुछ है। तो वो पटिए हुए बैठने का तात्पर्य क्या हुआ, जब अपन को अलग रहना है तो उनको ये भी ना करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये भी चीज़ ना करें और इस चीज़ में साथ दें, ताकि अपन कोरोना को रोक सकें। तो मीडिया कर्मी का साफ कहना है कि डिस्टेंसिंग बना के रखें, कोरोना से अगर जीतना है, कोरोना से अगर बचना है, ये खतरनाक वायरस है, डेंजरस वायरस है, जो एक दूसरे से संक्रमित होकर के फैलता है, तो इससे अगर बचना है तो डिस्टेंस बना कर रखें, घरों में लॉक हो जाएं, तो तरीका है एक कि कोरोना वायरस से बचा जा सकता है।
इस वक्त मौजूद हैं हम भारत माता चौक पे, जहां सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। यहां पे हम उनसे हाल जानते हैं, क्या रहा सड़कों का हाल, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने जो अपील की थी उनके अपील का कितना असर हुआ है, उनको देखने को क्या मिला है। हालांकि सड़कें तो सुनी दिख रही, क्या असर देखने को मिला अभी प्रधानमंत्री ने अपील की थी जनता कर्फ्यू की कोरोना वायरस से बचने के लिए? कोरोना वायरस के संबंध में जो प्रधानमंत्री महोदय ने अपील की है काफ़ी सफल रहा है, और छिटपुट इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं, मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मी, कुछ स्वास्थ्य विभाग के लोग प्रचार प्रसार भी करते आ रहे हैं और इंतजामों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा अभी टेम्पो से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि हाथ को कैसे धोना, आप बाहर ना निकले, भीड़ में ना निकले, ऐसा करके कुछ बताया जा रहा था, कुछ गाइडलाइंस तैयार की गई? हाँ, इस तरह के सभी अनाउंस हो रहे हैं और काफ़ी असर पड़ रहा है लोगों पर, उसको जो है पालन कर रहे हैं लोग। तो ये थे हमारे साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं जो इतनी धूप में और जो जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा स्वागत करना चाहिए, शाम 5:05 तालियां बजाकर और या अपने घरों में बाहर निकल के बालकनी से स्वागत करना है। ये हैं मीडियाकर्मी, सुरक्षाकर्मी, अस्पताल में जो डॉक्टर और नर्स हैं। अब देखना यह होगा कि कोरोना वायरस की इस मुहिम से कोरोना वायरस पर कितनी लगाम लगती है। हालांकि ये चेन में संक्रमण फैलता है और चेन अगर रोक दी जाए, अगर कहीं से कड़ी रोक दी जाए तो कोरोना वायरस रुक जाता है, एक से दूसरे में संक्रमण नहीं जाता है तो कोरोना वायरस रुक जाता है। अभी हाल में देखने को मिला है कि भारत में 6 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन हालांकि ये आंकड़ा भी बहुत कम है भारत का। दूसरे देशों में देखें तो इटली में 3,500 और दूसरे देशों में जैसे चाइना में 3,000 के लगभग मौतें हो चुकी हैं। भारत में भी ये सेकेंड स्टेज पे बताया जा रहा है, लेकिन सर थर्ड स्टेज पे ना आए इसके लिए सुरक्षा और अपने को सतर्क रहने की ज़रूरत है। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है, नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो? रियली? डैडी बने हो, देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए हर व्यक्ति आज अपने घर पर है, 100% जनता कर्फ्यू कामयाब हुआ है। ऐसे में दखल की टीम कोने कोने में जाकर बता रही है जनता कर्फ्यू के हाल। लड़ने जनता कर्फ्यू का जो ऐलान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था वो पूर्ण रूपेण सफल होता दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त जवा बाजार में खड़ा हूँ, जो जवा चौराहा होता है, जहाँ पर हम बोले कि एक भीड़ भाड़ और व्यस्ततम इलाका माना जाता है। जिस तरीके से जो दुकानें हैं क्षेत्र की, बाजार की, कस्बे की जो सारी दुकानें हैं, दुकानों में शटर लगा हुआ है, ताले लगे हुए हैं, कोई दुकान खुली नहीं हुई है। जिस तरीके से गांव तो गांव, बाज़ार में भी दुकानों का शटर नहीं खुला, लोग दिख नहीं रहे हैं, एक आध दो लोग जिनका घर है वही दिख रहे हैं, जिनको ज़रूरत का सामान लेना होता है केवल वही दिख रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से यहां लोगों के लिए जो मुसीबतें होती थी पैर रखने के लिए, इतना व्यस्ततम इलाका माना जाता था,
कि इतनी भीड़ होती थी कि पैर रखने के लिए लोगों की जगह नहीं होती थी। चूँकि ये बस स्टैंड है और यहाँ से ये जो सड़क है ये रीवा मुख्यालय को जोड़ने वाली रीवा जिला मुख्यालय को जोड़ती है। यहाँ से ये सड़कें भी सुनसान आपको दिखाई हुई देती नज़र आ रही हैं। इधर दूसरे तरफ ये जो सड़क है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाला यानी प्रयागराज और बनारस जाने वाली सड़क है, तो ये भी पूरी तरीके से सुनसान दिखाई दे रही है। और ये जो दोनों और सड़कें हैं कस्बे की तरफ, जितनी भी छोटी गलियां हों बड़ी गलियां हों सारी दुकानें बंद दिखाई दे रही है। साफ तौर पर जाहिर आपको दिखाई दे रहा है कि जो अपील की गई थी लोगों द्वारा कोरोना वायरस को लेकर के कि कोरोना से जंग लड़ने के लिए लोग अपने घर पर रहें, लोग सुरक्षित रहें, लोग सतर्क रहें, लोगों ने भरपूर समर्थन दिया, लोगों ने सहयोग दिया, कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर की दुकानें सुबह तक खुली थी लेकिन जब कोई व्यक्ति आ नहीं रहे थे मार्केट में बाजार में, किराना की दुकान भी कुछ देर के लिए खुली थी लेकिन अभी किराना की दुकान भी बंद हो गई हैं, मेडिकल स्टोर भी बंद हो गए हैं। और यही पूरे क्षेत्र में लगातार पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन अपनी नज़र जमाए हुआ है। पुलिस प्रशासन द्वारा कंटिन्यू पेट्रोलिंग की जा रही है कहीं क्षेत्र में कोई अनहोनी ना हो। वहीं दूसरी तरफ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व MP बरार के द्वारा क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार गश्त कर रही है। कैमरा पर्सन विकास तिवारी के साथ दुर्गेश यादव जवा। नमस्कार, हम खड़े हैं रीवा शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग रीवा सिरमौर मार्ग में। यह वो मार्ग है जहां लाखों की संख्या में वाहनों का आना जाना बना रहता है, यह सबसे व्यस्ततम मार्ग कहलाता है। लेकिन आज इस मार्ग की स्थिति आप देख सकते हैं, पूरा मार्ग खाली है, यहां कोई आ जा नहीं रहा है। इक्का दुक्का लोग अपनी इमरजेंसी सेवाओं के कारण आ जा रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस उन्हें समझाइश देकर अपने अपने घरों पर भेज रही है। जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक दिन के जनता कर्फ्यू के आह्वान पर पूरी जनता पूरा देश आज अपने घरों पे है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और वहां रह करके अपने घरों पे रह करके पूरा समर्थन दे रहे हैं। कैमरामैन अंबुज पांडे के साथ दखल न्यूज़ के लिए राज पांडे की रिपोर्ट। कोरोना वायरस को देखते हुए पूरे छिंदवाड़ा जिले की सीमाओं को लॉकडाउन कर दिया गया है ताकि यहां से कोई बाहर ना आ सके ना कोई जा सके। भारत सरकार द्वारा अपील की गई थी कि सभी को अपने अपने घरों से ना निकलना है, इसलिए आज प्रशासन भी अलर्ट है और यहां लगातार देखा गया कि जबलपुर में भी 2-4 लोग पाए गए हैं। इसीलिए छिंदवाड़ा जिले को कोरोना वायरस से बचाने के लिए प्रशासन और शासन बिल्कुल लगातार अपने प्रतिक्रिया में लगा हुआ है और यहाँ पर जनता का भी उनको पूरा समर्थन मिल रहा है, भारत सरकार को भी। मैं दखल न्यूज़ छिंदवाड़ा जिला धीरेन्द्र सिंह। हम शहर के एक व्यस्ततम चौराहे पे खड़े हुए हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के चलते हुए पूरी दुकानें जो हैं यहाँ पर बंद हो चुकी है और देख सकते हैं कि ये जो चौराहा है ये बहुत ही व्यस्ततम चौराहा कहा जाता है क्योंकि ये 4 जिलों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत चारों जिलों से जो लोगों की आवाजाही रहती है और यह जिला जो है वो नागपुर की एक बॉर्डर से महाराष्ट्र की बॉर्डर से जुड़ा हुआ है जहाँ पर हालांकि इस समय कोरोना के बहुत से पेशेंट पाए जा रहे हैं। और दूसरी बात आप देखें कि पीछे जो रास्ता गया हुआ है वो रास्ता सीधा जाता है जबलपुर का, जहाँ यहाँ से जबलपुर की दूरी सिर्फ 85 किलोमीटर दूर की है और वहाँ पर अभी हालांकि 4 मरीज नए पाए गए हैं कोरोना के। इस व्यवस्था को देखते हुए इस जिले को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है, सीमाओं को पूरा सील कर दिया गया है। और बात कही जाए अगर लॉकडाउन की तो आप देख सकते हैं कि जन समर्थन जो अपने प्रधानमंत्री जी को मिला हुआ है लोगों का, आम जनता ने पूरा उनको फुल समर्थन दिया हुआ है। यहाँ पर सभी ने लॉकडाउन कर दिया है और सभी एक एहतियात बरत रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी यहाँ बहुत ही व्यवस्थाएं की गई हैं। हर बॉर्डर पर एक जांच व्यवस्था की गई है, हॉस्पिटल में भी अभी आप देख सकते हैं कि थर्मल व्यवस्था की गई है जिससे आप टेम्परेचर चेक करके जान सकते हैं कि वह संक्रमित है कि नहीं है। और ये जो समर्थन है प्रधानमंत्री का जो एक आह्वान था आम जनता को कि आप 23 तारीख को यहाँ पर पूरा लॉकडाउन अपने घर में रहें जिससे ये संक्रमण ज़्यादा ना फैले, तो लोगों ने इसको बहुत ही समर्थन दिया हुआ है और सब लोग अपने घर पर हैं। कुछ ही चीज़ों को लेकर कुछ ही चीज़ें दुकान अभी खुली हुई हैं जैसे कि मेडिकल स्टोर है, कुछ किराना दुकान है, फूड की दुकान है, वो बस खुली हुई है, बाकी सब चीज़ों को बंद कर दिया गया है। प्रफुल्ल सोनी दखल न्यूज़ के लिए सीयू नई दिल्ली से। आज मैं मौजूद हूँ टीकमगढ़ के सबसे व्यस्ततम तिराहे पुराने बस स्टैंड पर। आप देख सकते हैं हमारे साथ देख सकते हैं कि कैमरा कैन से बोलूँगा कि कैमरा से दिखाएं, वो दूर तक ये रोड है, लिंक रोड है जो दो राज्यों को आपस में जोड़ता है। यहाँ से MP UP बॉर्डर जोड़ता हुआ जाता है, कहीं तक दूर दूर तक परिंदा नहीं है, बस एक जो
सबसे अहम सवाल इसमें ये आता है कि यहाँ पर एक वाइन शॉप की दुकान खुली हुई है जिसको आप देख सकते हैं। जब इस संबंध में टीकमगढ़ SP से बात की गई तो उन्होंने कहा इसके आदेश भोपाल से हमें प्राप्त नहीं हुए हैं इसको बंद करने के लिए। ये वो सबसे व्यस्ततम तिराहा है जिसे आप देख सकते हैं। ये टीकमगढ़ का सबसे व्यस्ततम तिराहा, दिन भर ये काफ़ी आवाजाही भी रहती है। आज यहाँ परिंदा भी नज़र नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। ये टीकमगढ़ का सबसे मेन तिराहा पुराना बस स्टैंड कहलाता है, हम इसको जयस्थान तिराहा कहा जाता है। ये देखते हैं झांसी जाने वाला रोड है, लिंक रोड, आप देख सकते हैं चारों तरफ एकदम वीराना और सब तमाम दुकानें होटल तमाम सब बंद पड़े हुए हैं। टीकमगढ़ से मैं रामेश्वर रजक। आज हम पखांजूर क्षेत्र के उस जगह खड़े हैं जो इस क्षेत्र का सबसे व्यस्त इलाका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की जो अपील की थी उसका असर आज हमारे इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। क्षेत्र के जनता ने प्रधानमंत्री का आह्वान का समर्थन किया जिसके चलते आज सुबह से ही क्षेत्र में सन्नाटा छाया रहा। मनोज राय, दखल न्यूज़, पखांजूर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो भी सुरक्षा कर्मी, जो भी मीडिया कर्मी, जो भी सफाई कर्मी, जो भी अस्पताल में डॉक्टर और सब है, इनके लिए 5:05 पर घर उसकी बालकनी पे आए और थाली बजाएं, तालियां बजाएं। आप नज़ारा देख सकते हैं, ये भोपाल का नज़ारा है जहाँ पे लोग बिल्डिंग्स में तालियां बजा रहे हैं, लोग बिल्डिंग्स में खड़े हुए हैं, अपनी बालकनी पे आ गए हैं और बालकनी पे आगे तालियां बजा रही हैं। कोरोना वायरस का एक अलर्ट घोषित किया गया था जिसके बाद लोग घर में बोर भी हो सकते थे, उसको देखते हुए मोदी सरकार ने, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि घर में बालकनी में आकर सुरक्षा कर्मी और जो आपातकाल में जो लोग सड़कों पे आपके लिए खतरे जान जोखिम में डाल के खतरे पे उठा करके निकल रहे हैं उनके लिए आप तालियां बजाएं या फिर आप घर में निकल करके जो भी थाली है वो बजाएं, ताली बजाएं, थाली बजाएं, शंख बजाएं। आप यहां देख सकते हैं कि होम की धुन की भी आवाज़ आ रही है और यहां भी जो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बिल्डिंग है बिल्डिंगों में जो छोटे बच्चे हैं वो भी तालियां बजा रहे हैं, औरतें हैं वो भी तालियां बजा रहे हैं, सब बुजुर्ग हैं वो भी तालियां बजा रहे हैं। सबको कोरोना वायरस की अहमियत पता है कि ये कितना खतरनाक डेंजरस वायरस है। सब घरों में अपने आप को उन्होंने लॉक कर दिया। अभी भोपाल में एक मामला भी मिला है जिसमें पॉजिटिव पाया गया है, पॉजिटिव एक महिला आई है लंदन से जिसमें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद भोपाल की शाखाएँ सील कर दी गई हैं। आप यहाँ पर पूरे बिल्डिंगों में देख सकते हैं कि लोग तालियां भी बजा रहे हैं। ये सुंदर नज़ारा पीएम मोदी का, आप जो पीएम मोदी ने जो अपील की थी उसकी, प्रधानमंत्री पीएम मोदी की अपील का असर देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग भारत ने छेड़ी उसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। लोग इतने जागरूक होंगे ये तो शायद किसी को भी अंदाज नहीं था। ये फिलहाल ये शहर भोपाल शहर का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, पूरा दिन लॉक होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। खिड़कियों पे लोगों को आप देख सकते हैं जमावट लगा हुआ है, लोग तालियां पीट रहे हैं, लोग अपना अभिवादन कर रहे हैं, लोग खिड़कियों के बाहर बालकनी में खड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं बाहर निकल के आए हैं, सब तालियां बजा रहे हैं। क्योंकि जो आपातकाल में जो स्थिति होती है, जो 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 आपातकाल के दौरान जिन मीडियाकर्मी, जिन सुरक्षाकर्मी और जिन सफाई कर्मी और जिन लोगों ने भोजन की व्यवस्था कराई, जिन्होंने इस समय कोरोना के इस डेंजरस टाइम में साथ दिया, उनके लिए सब तालियां बजा रही। हमारे बाजू में करुणा धाम मंदिर है जिसमें आप देख सकते हैं वहां पे ओम की धुनि बड़ी तेजी से सुनाई दे रही है, शंख की आवाज़ आ रही है, वहां भी लोगों द्वारा तालियां बजाई जा रही है। आप देख सकते हैं ये गार्ड भी करे हैं, गार्डों ने भी तालियां बजाना शुरू कर दी है, सब ने अभिवादन करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री पीएम मोदी का कहना था कि 5:05 पर आप तालियां बजाए और अभिवादन करें, ये लगातार तालियां बज रही हैं। लगभग 10 मिनट हमें हुए आए यहाँ पे, हो गया 10 मिनट में अभी तक तालियां बज रही है। आपको मैं दिखा दूँ, एक और बिल्डिंग खड़ी है वहाँ पे, बिल्डिंग से दूर दूर से लोग तालियां बजा रहे हैं, वहाँ औरतें खड़ी हैं, अपने बच्चे खड़े हैं, तालियां बजा रहे हैं, थालियाँ बजा रहे हैं, थाली बजा कर। एक ये साइंटिफिक भी होता है कि अगर वायरस है तो उस ध्वनि से जो ध्वनि पैदा होती है उससे भी उस वायरस में फ्लो जो बढ़ेगा उसकी कमी आती है, तो ये एक साइंटिफिक रीजन भी माना जा रहा है अभी तक। लेकिन फिलहाल ये मोदी प्रिया मनु मोदी की जो अपील थी उसका असर देखने को मिला है। अब देखना यह होगा कि आगे हमारे भारत की जनता, भोपाल की जनता तो ये देश को सुरक्षित कर रखने के लिए कब तक ऐसे ही प्रयास करेंगे। भोपाल में फिलहाल अभी 24 तारीख तक लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, 2 दिन अभी और 24 तारीख तक अभी और लॉकडाउन होगा, उसके बाद भी बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है।
बजाए जा रहे हैं, लोग घंटियां बजा रहे हैं, लोग थाली भी बजा रहे हैं। यह मंदिर आज तो इतना खाली है, लेकिन जिस मंदिर में भीड़ भाड़ हमेशा बनी रहती थी, उसको अभी लॉक किया गया था। कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। अब तक अभी तक आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, साथ मृत्यु हो चुकी है। तो आप ये है करुणाधाम आश्रम, करुणाधाम मंदिर, जहाँ पे लोग थालियाँ बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, शंख की ध्वनि आप बड़े आसानी से क्लियर सुन सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए शांत होता हूं तो आपको और क्लियर सुनाई देगा। तो प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो ये सब किया जा रहा है, जो जनता जागरूक हुई है, इसका नजारा जो देखने को मिला, इससे कोरोना भी डर जाए, ऐसा नजारा देखने को मिला है। अब कोरोना को भगाना है तो घर में खुद को लॉक करना पड़ेगा। 24 तारीख तक को भोपाल को लॉक किया गया, सील किया गया, भोपाल में भी एक पोस्टर मिला है। लेकिन जनता की जागरूकता ने साबित कर दिया है कि कोरोना को भी भगाया जा सकता है। इतनी बड़ी 131 करोड़ की भारत की देशवासियों की जनसंख्या में कोरोना को भी कम किया जा सकता है। हालांकि भारत में केस बहुत कम आए, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हाथ को बार बार साबुन से धोएं, मुंह को कपड़े से बांध करके रखें और कहीं भी भीड़ भाड़ इलाके में ना जाए। बस सावधानी बरतने की जरूरत है, कोरोना से डरे नहीं, सावधानी बरते। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। साउंड भी आए, इसको लगा लो। Yes.
इससे लगभग शॉर्ट भेजोगे नहीं आप। Thank you.
लेकिन को जड़ से मिटाने के लिए जनता कर्फ्यू में देश के हर व्यक्ति ने अपना सहयोग किया है। दखल न्यूज के रिपोर्टर्स ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हाल आपको हर कोने से दिखाए हैं। लेकिन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सिर्फ एक दिन पर्याप्त नहीं है, आपको अपनी सुरक्षा रखनी होगी। सुरक्षा के लिए आपको बार बार हाथ धोने होंगे। ये संदेश आपको बार बार दखल न्यूज की ओर से दिया जा रहा है। सड़कों पर दिखाई दिए तो सिर्फ पुलिसकर्मी और पत्रकार, हॉस्पिटल में तैनात रहे सारे डॉक्टर्स, ये सब आपकी सेवा में सड़कों पर उतरे हुए हैं कि आप सुरक्षित रहें। Life is about to change, Jay. No more 8 घंटे की नींद, no more late night movies, no more parties with friends. बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके फ्यूचर के लिए अब no more holidays, no more shopping और no more फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो? Really? डैडी बने हो, देवदास नहीं। जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना फिकर की, स्टार्टअप का सपना, एक घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी, है मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लय खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा। वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। 31 मार्च तक सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 31 मार्च तक कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। जो भी जहां भी है वहीं रहे, सुरक्षित रहे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भारतीय रेल ने बड़ा फैसला लिया है। इंडियन रेलवे ने 31 मार्च तक सभी यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद करने का फैसला किया है। रेलवे ने बताया है कि सभी लंबी दूरी की ट्रेनें, एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन 31 मार्च की रात 12 बजे तक बंद रहेगा। रेलवे की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि रद्द ट्रेनों की सूची में कोलकाता मेट्रो, कोंकण रेलवे, उपनगरीय ट्रेनें नहीं चलेंगी। वैसी ट्रेनें जो 22 तारीख से 4 घंटे पहले चलनी शुरू हुई थी वो अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगी। रेलवे ने कहा कि देश भर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रखने के लिए मालगाड़ियां चलती रहेंगी। रेल यात्रियों को राहत देते हुए रेलवे ने टिकट कैंसिल करवाने पर कोई चार्ज नहीं लेने का फैसला लिया है। रेलवे ने कहा है कि यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा वापस किया जाएगा। रेलवे के मुताबिक इन टिकटों को कैंसिल करने के एवज में 21 जून तक पैसा लिया जा सकेगा। बढ़ते कोरोना वायरस के इफेक्ट को रोकने के लिए और आप सबकी सुरक्षा के लिए भारतीय रेल द्वारा यह कदम उठाया गया है। आगामी 31 मार्च रात के 12 बजे तक के लिए सभी पैसेंजर ट्रेन्स, मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स, सबर्बन ट्रेन्स सारी कैंसिल की जा रही हैं। इस दौरान जो ट्रेन्स अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुकी हैं वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगी।
उसके बाद उनकी ट्रेन सर्विसेज को कैंसिल किया जाएगा। भोपाल में भी एक कोरोना पॉजिटिव युवती मिली है। लंदन से अपने घर भोपाल वापस लौटी युवती में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके चलते 22 मार्च तक के लिए भोपाल को लॉकडाउन कर दिया गया है। हो सकता है कि 31 मार्च तक पूरे मध्य प्रदेश को लॉकडाउन किया जाए। सभी भोपाल वासियों को मैं इस बात की सूचना देना चाहता हूँ कि अभी हमारे शहर में एक कोरोना का पॉजिटिव केस हम लोगों को मिला है, लेकिन किसी को भी इसको लेकर पैनिक करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स का पालन करना था वो सब कर लिया गया है। कल जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी तो उनको एडवाइस दे दी गई थी क्वारंटाइन के लिए, और उसका फिर सैंपल लिया गया था, और उस सैंपल का जो रिज़ल्ट आया वो पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती भी करा दिया गया है इलाज के लिए, और उनका अच्छे से इलाज जारी है। लेकिन बहुत सारे लोगों में ये पैनिक है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं और फैले, तो मैं ही आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उसको लेकर जितनी प्रोटोकॉल्स और जो चीज़ों का पालन करना था वो कर लिया गया है, और भी चीज़ों का जो पालन है वो किया जा रहा है। जिस लोकेलिटी में ये केस आया है उसको आसपास से पूरा क्लीन किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। उनके माता पिता और जो संबंधी हैं जो साथ में रहते हैं उनको ये एडवाइस किया गया है कि वो क्वारंटाइन में रहें, उनको मॉनिटर भी किया जा रहा है। उसके अलावा उनको ये भी एडवाइस दी गई है कि किसी भी परिचित से आप बिल्कुल भी ना मिलें और घर में ही रहें। इसलिए किसी को ज़रा सा भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें इसका स्प्रेड ना हो उसके लिए जो भी एहतियात बरतती है वो पूरी तरह से बरतती है। एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा क्षेत्र से आई है। 17 जवान शहीद हो गए हैं, नक्सलियों ने हमला किया है, 17 जवान शहीद हुए हैं, कुछ जवानों के घायल होने की भी बात आई है सामने, और हो सकता है कि कुछ नक्सली भी मारे गए हों। बीती रात से सुकमा के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस घटना में 5 नक्सलियों के मारे जाने और 17 जवानों के शहीद होने की सूचना है। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर द्वारा सुकमा से रायपुर लाकर रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसमें 3 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुकमा के मिनपा इलाके में नक्सलियों की नंबर 1 बटालियन की मौजूदगी की सूचना पर चिंता गुफा व आसपास के कैंपों से एसटीएफ व डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की टीमों को जंगल भेजा गया था। इस बटालियन का कमांडर कुख्यात नक्सल लीडर हिडमा है। फोर्स की वापसी के दौरान नक्सलियों ने एम्बुश में जवानों को फंसा लिया। मौके पर शनिवार दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक जमकर फायरिंग हुई। तड़के एम्बुश में फंसने के बावजूद जवानों ने हौसला नहीं खोया बल्कि जमकर मुकाबला किया। अचानक हुई गोलाबारी में फोर्स का ट्रैकिंग डिवाइस कहीं गुम हो गया और दल बिखर गया। सुकमा SP व बस्तर DIG घटना की निगरानी में लगे रहे। पुलिस पहले कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। DGP DM अवस्थी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है, लेकिन शहीदों या घायलों की संख्या बताने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा जब तक पूरी टीम लौट नहीं आती कैसे बता सकते हैं कि क्या हुआ है। मौके पर बड़ी संख्या में नक्सली भी मारे गए हैं। टीम लौटे तो गणना होगी, तभी साफ होगा कि कितने घायल हैं। जिस जगह ये मुठभेड़ हुई है वह पहुंच विहीन इलाका माना जाता है। सुकमा जिला के बुरकापाल क्षेत्र में मिनपोर कोराजगुड़ा जंगल में काफी एक तगड़ा मुठभेड़ हुई थी। इसमें हमारा DRG STF कोबरा के जवान काफ़ी मजबूती से लड़ा है, फिर भी अनफॉर्चुनेटली कल 15 हमारा जवान घायल हो गए थे, जिसका इलाज के लिए रायपुर के लिए रेफर करके हम तत्काल उनका भर्ती कराकर अभी सभी जवान का स्थिति ठीक है। लेकिन 17 लोग से कल संपर्क नहीं हो पा रहे थे, उसके तलाश के लिए आज दोबारा DRG STF कोबरा टीम जंगल में गई थी, और कल भी जो पार्टी अंदर ही रुका हुए थे सबेरे होते हुए सर्चिंग किए थे। सर्चिंग के पश्चात हमारा 17 जवानों को डेड बॉडी रिकवर की गई थे, उनका भी बॉडी जिला मुख्यालय लिया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। लाइफ इज अबाउट टू चेंज, नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो Really? डैडी बने हो, देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियां हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, हमने कभी ना
घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।